राम जी सीता जी की खोज कर रहे हैं। सीते 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 करके राम जी महाराज जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही राम जी को देखा ना, भरी लो चन छवि सिंधु निहारी, आंखों से आंसू निकलने लग गए बाबा के। आंसुआ तब ही निकलता है या तो आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो या बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाए। बाबा दुखी नहीं है, बाबा प्रसन्न हो गए कि जिन राम जी की कथवा सुन करके आ रहे हैं उनका दर्शन हो गया। किसी आदमी को किसी के बारे में बहुत बड़ाई करें, वो ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, और तुरंत उसका दर्शन हो जाए, तुरंत मिल जाए, तो आदमी गदगद, अरे अभी आप ही की तो बात चल रही थी, देखिए आप आ गए। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन सामने नहीं गए, दूर ही से प्रणाम करने लग गए, दूरी दूर दूरी दूर दूरी दूर। भोले बाबा प्रणाम कर रहे, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनो जिन सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान, जय हो। भोले बाबा बार बार प्रणाम करने लगे। अब जानते हो सती मैया घबरा रही है कि हमारे बाबा जब से अगस्त मुनि की कुटिया में अंदर गए तब से इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। इनको यही नहीं बुझा रहा है कि छोटा है कि बड़ा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सती सो दशा शंभु के देखी, 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 उर उप जा सती जी के मन में संदेह होने लग गया। अब संदेह यही हो रहा है कि हमारे ही बाबा पागल हो गए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये राम जी हैं, ये कहां के राम जी, ये कहां के भगवान हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा होश में आइए, कहां आप भटक रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं, राम जी हैं, प्रणाम करो सती। कहते हैं, राम जी हो ये नहीं सकते हैं, काहे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, 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 भक्ति ओ भक्ति जसु मैं मुनि सुनाई, भक्ति जसु मैं मुनि सुनाई, ओ भक्ति जसु मैं मुनि सुनाई, भक्ति जसु मैं मुनि सुनाई। ये राम जी नहीं है, कौन है। कहते हैं, जिनकी कथवा कुंभज ऋषि गा रही थे ना, वही राम जी हैं। ना ना, राम जी थोड़ी ने,
बाबा जो भगवान अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए वो जगत की क्या रक्षा करेगा, आप खुद ही सोचिए। ये जंगल जंगल अपनी पत्नी को खोज रहा है, हमारे राम जी इतने कमजोर थोड़ी ना है, सच्चिदानंद भगवान है। कुंभज ऋषि जिसके बारे में कथवा सुना रहे थे वो छोटे मोटे शक्तिशाली नहीं है, बहुत बड़े हैं। हमारी भक्ति तो उन्हीं राम जी में है, और हमको लगता है आप भूल गए हैं, गड़बड़ा गए हैं, भांग का गोलवा ज्यादा खा लिए, इतने बुझा नहीं, आपको बुझ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बाबा कहते हैं ये वही राम जी हैं। सती कथा तो नहीं सुनी थी, कथा तो भोले बाबा सुने थे, और भोले बाबा की कृपा से सती को दर्शन हो रहा है। लेकिन दर्शन भी भगवान के आदमी करता है, दर्शन तभी पहचान में आएंगे भगवान जब आपकी दृष्टि पवित्र हो, दृष्टि में ज्योति हो, प्रकाश हो, दिव्य दृष्टि हो जाए, परादृष्टि हो जाए। सती मैया के दृष्टि में पर्दा पड़ा हुआ है, भगवान मनुष्य रूप में पहचान नहीं पा रहे। बार बार कहा, बार बार कहा, नहीं समझ पा रहे। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो कीनी जाई परीक्षा ले हो, तो कीनी जाई परीक्षा ले हो, तो कीनी जाई परीक्षा ले हो, तो कीनी जाई परीक्षा ले। बाबा समझा रहे हैं, नहीं ये वही राम जी हैं, ये वही राम जी हैं, ये वही राम जी हैं। लेकिन सती मैया को समझ नहीं आ रहा है, और जब नहीं समझ में आया, हम सब कथा में एक बात कहते हैं, तीन लोगों के साथ तर्क करना बहुत खतरे का घंटी है, तीन जने से बुरा मत मानना। एक है बच्चे, इनको कितना समझाओ समझने वाले हैं क्या? अरे हाँ या ना बोलो, गड़बड़ कर भी करेंगे, गड़बड़ कर भी करेंगे, और ज्यादा समझाओगे ना तो उल्टा करेंगे। और दूसरे जानते हो कौन? बूढ़ा आदमी, बूढ़ आदमी को भी ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, ज्यादा बात विवाद नहीं करना चाहिए, चाहे कि बूढ़ आदमी को जो शुरू से समझ में आ गया वही है समझ रहेगा, बुढ़वा को लगेगा कि वो आदमी सही नहीं है, चाहे वो लाख ही सही हो, लेकिन वो सही। अब बुरा मत मानना। तीसरे, हमारी सब देवी मैया के साथ कभी जीवन में तर्क मत करना, इनसे तो तुम सकवे न करोगे, अब थोड़ा बहुत तर्क वितर्क कर दिया ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को सड़क पे ले आएंगे। और विश्वास नहीं तो आज रतिया में जाना और कह देना, शादी तो हमने कर ली लेकिन बारात का स्वागत थोड़ी ना हुआ था, भाई इतना ही कह देना। तुम्हारे पिताजी ने क्या व्यवस्था की थी? जनवास में सोने की व्यवस्था नहीं, रसगुल्ला सही नहीं था, खाना बढ़िया नहीं था, बस इतना कह देना, उसके बाद देखो ना तुम्हारे खानदान को गरी आ गई। कहेंगे जितना मिल रहा उतना रहो नहीं, कल से दूसरा देख लेना व्यवस्था, मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, घर में हड़िया चढ़ाते रहियो। इसलिए
बोले बाबा भी जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैडम जी लोगों से तर्कवा करोगे तो शाखा ही बढ़ाओगे, इसलिए इनका टेम्परेचर हाई रहा करे तो तुम नॉर्मल रखा करो, नहीं गड़बड़े है, काहे का झमेला लेना। एक डाल काटोगे पांच खड़ा कर देंगे, इसलिए देखा होगा किसी दिन तुमसे ना झगड़ा हुआ, सासू और बहू में झगड़ा हो जाए ना, उस दिन टेम्परेचर इतना हाई रहेगा कि सब्जी में नमक ही नहीं पड़ता है, रोटी भी जला जला। और तुम आए ना काम करके, खाना परस दिया, और यदि सुबह सासू माँ से झगड़ा हो गया, शाम तक टेंशन हो गया, तुमने नहीं पूछा तो खनवा परसेंगे, और थोड़ा सा तुमने कुछ कह दिया तो कहेंगे खाना है तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो, यहाँ ज्यादा घी नहीं लगाना हमको, जीवन बेकार हो गया तुमसे शादी करके, यही कहेंगी। कहती कि नहीं कहती बताओ, अरे मुड़िया हिला दो, सही कह रहे हैं कि गलत, हम जानते हैं, इसीलिए तो सदिये नहीं किए। के टेंशन सुनेगा इनका, बाबा जी बन गए जमेला मुख, और जो जो शादी कर रहा है वो जानता है कितना टेंशन है, बड़ा झमेला भैया। भोले बाबा कह रहे हैं को करी तर्क बढ़ावे ईसा का, कौन समस्या को बढ़ाएगा, चूंकि सती मानने वाली नहीं है, सती कहां सुनेंगी, नहीं मानेंगी। जानते हो क्या हुआ, पुनि पुनि हृदय विचारी करी धरी सीता कर रूप, और गलती क्या हुई, आगे हुई चली पंथ ते ही, ये गलती है, आगे हुई चली पंथ ते ही जेहि आवत नर भूप। सबसे बड़ी गलती सती मैया से ही हो गई, बोले बाबा तो कह दी जाओ ले आओ परीक्षा, तुमको संदेह है तो हमारे राम जी की परीक्षा ले लो, बाकी हमारी खोपड़ी मत खाओ, हमको तो दर्शन करने दो। और सती मैया गई ब्यूटी पार्लर, अब ब्यूटी पार्लर से सती बन गई सीता। जानते हो यदि जीवन में किसी को गाली मिलती है शादी के बाद, वो ब्यूटी पार्लर वाली को मिलता है, जानते कहा है, कारो कार आदमी को गोर बना दे। अब बाद में जब दो चार दिन बाद दुल्हा देवता देखता है, कहते हम मंचवा पे तो जयमाल के समय देखे थे तो इतना सुंदर, और अबरी तुम ऐसे दिखती हो, और सब गरियाता है ब्यूटी पार्लर वाले, सब गड़बड़ ब्यूटी पार्लर। अब इतना ही नहीं, यू गरियाती हैं, क्या क्या क्रीम व्रीम लगा कर आप मंचवा पे जिसे दिख रहे थे बरमाला समय, वैसा आप थोड़ी ना। सती मैया गई ब्यूटी पार्लर में, सीता बन के आ गई, चेंज हो गया चेहरा, लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले चेहरा चेंज कर सकते हैं, स्वभाव थोड़ी ना चेंज करेंगे, यही गड़बड़ हो गया। आगे हुई चली पंथ ते ही, आगे हुई चली पंथ ते ही जेहि आवत नर भूप। राम जी आ रहे, सीता सीता सीता, कहां गई सीता, किधर वो सीता, खोज रहे राम जी महाराज। आई सितवा का भेष धारण करके राम जी के आगे आकर खड़ी हो गई, जैसे राम जी के आगे खड़ी हुई ना, राम जी रास्ता चेंज कर दिया। लक्ष्मण जी को लगा ही भैया को हो क्या गया है, भाभी आगे खड़ी रास्ता घूम के दूसरे रास्ते में जा रहे हैं, और सीता 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 दूसरे रास्ते में कह रहे हैं।
सीता मैया को लगा कि राम जी रोते 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 आंख में इतना पानी भर लिए हैं कि दिख नहीं रहा है। से उधर से कहीं दूसरे रास्ते में फिर आगे आकर खड़ी हो गई। जैसे दूसरे रास्ते में खड़ी भई ना, राम जी फिर रास्ता चेंज कर दिए। लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है। एक गड़बड़ है, गोलमाल है। लक्ष्मण जी समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। लक्ष्मण गए कहते भैया भाभी आ तो गई, आप कहां भटक रहे हो। राम जी कहते हैं भाभी थोड़ी ना है। कहते हैं ये तो भाभी, आपको भाभी नहीं दिखाई दे रही है। राम जी कहते हैं यदि भाभी होती ना तो हमारे आगे नहीं चलती, और यदि आगे आ भी जाती तो पाषाण जैसे खड़ी नहीं रहती। भाभी आती तो सबसे आगे पैरों पर प्रणाम करती। ये भारतीय नारी की सभ्यता है, ये भारतीय स्त्री संस्कृति की पहचान है कि नारी पुरुष के पीछे चलती है, और यदि आगे आती है तो केवल चरणों में प्रणाम करने के लिए। वो बात अलग है कि आजकल 4G का जमाना चल रहा है तो आजकल लेडीज ही फर्स्ट, वो अलग बात। अभी कुछ दिन पहले हम दिल्ली में कथवा में गए थे, सच बात बता रहे हैं। अब यदि कथवा सुन रही होंगी यूट्यूब में तो मने मन गरीबो करेंगी हमको। अब हम दिल्ली में कथा करने गए, एक ऐसे ही भाभी जी आई आंटी जी हमसे मिलने के लिए, कमरे में ही मिलने के लिए प्रणाम प्रणाम वणाम गया। बेचारी बड़ी भावुक हो गई। स्वामी जी सब कुछ है, पैसा है, घर है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, क्या करें, घर में बहुत आसान थे, पति बात नहीं मानता, ससुर बात नहीं मानता, सासू मां मर गई है, देवर हमारी बात नहीं मानता, बहुत कष्ट में हूं, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, क्या करें। हमने भी उसको उपाय बताया। अच्छा जानते हो जिसके घर में रुके हुए थे उनके घर की भाभी जी बैठ के सब ड्रामा सुन रही थी। वो जब भाभी जी गई ना तो कहती इनका पति बात नहीं मानता है। कहते स्वामी जी डेली अपने पति को कुकर और चिमटा से मारती है। हमने कहा है, कहते अबे कलई की बात है, तो कथवा चल रहा था तो माइकवा में आवाज नहीं पता चला। हम लोग गए देखने के लिए तो ये कुकर से मार रही, कुकर के ढक्कन से पति को। अब ससुर को तो दे लतिया, लाते ही लात। अब आपके मर्यादा में साड़ी पहन के आई, नहीं तो ये तो सलवार मैक्सी और पता नहीं का जींस पैंट पहन के स्कूटी में चलती, होटल में खाना खा के आती, एक दिन घर में खाना नहीं बनता। उल्टा ही है, कलयुग है भैया। पहले की सासू अम्मा बहुएं सोचती थी हमारी सासू कैसे आएंगी, हमारी सासू कैसे आएंगी। आजकल की सासू माँ सोचते हमारी बहू कैसे आएंगी। गड़बड़ हो गया, 4G का जमाना है, नेटवर्क सिस्टम है, साल भर नहीं हुए शादी की तलाक हो गया, नया शादी फिर होगा, लड़कियों की कमी है, मोबाइल से लव मैरिज हो गया। राम जी कहते हैं लक्ष्मण की भाभी नहीं है, यदि भाभी होती तो हमारे आगे आकर के प्रणाम करती, भाभी नहीं है। राम जी कहते हैं कौन है, लक्ष्मण जी कहते हैं कौन है, कहते हैं मैया है। कहते सच में, कहते देखो अभी बताते हैं। जैसे ही पुनः सामने आए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हाथ जोड़ करके, जोरी पानी प्रभु की नि प्रणाम, पिता समेत अली निज नाम,
राम जी बस जानकी का जो सती जानकी का भेष बनाकर आई थी उनके सामने गए और प्रणाम कर दिया, माता जी प्रणाम, आपको सम्राट दशरथ का पुत्र राम प्रणाम कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते भैया लगता गड़बड़ हो गया, ये भूल करके बैठे आप, भाभी है। कहते नहीं नहीं देखो बगल से पसीना टपकने लग गया, मेकअप उतर रहा है, ये मेकअप है ऊपर का, ये भाभी नहीं मैया है। कहते तो यदि मैया है तो इनको प्रणाम कर आपने किया, पिता का नाम लेने का क्या जरूरत था, ये परीक्षा लेने आई है, अब परीक्षा लेने आई थी तो आपको परीक्षा दिखाना चाहिए था ना। कहते हैं राम जी लक्ष्मण परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला, बताओ कौन बड़ा है, लेने वाला कि देने वाला, जोर से बोलो, लेने वाला ना। कहते जब लेने वाला बड़ा होता है तो लेने वाले को प्रणाम करना चाहिए, यही तो पास कराएगा, इसलिए हम प्रणाम किए। तो कहते आप प्रणाम किए सो ठीक था, पिता का नाम लेकर के प्रणाम, पिता की काहे बेइज्जती। कहने लगे गजब का बात, एग्जाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड दिखाते हो कि नहीं दिखाते, राम नाम से कितने लोग होंगे लेकिन राम के बाप का नाम थोड़ी सबका एक जैसे होगा। इसलिए राम जी कहते हम तो परीक्षा देने आई थी ना, हम तो परीक्षा में एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं कि दशरथ नंदन राम हैं हम। और जैसे ही कहा माता जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो, बाबा कहाँ हैं? भैया माता के तो ऐसा पसीना चला, ऐसा पसीना चला कि सारा मेकअप और लिपस्टिक लटक गया, झूल गया, उतर गया। हाँ सीता से सती बन गई, राम जी का प्रताप देखा माता जानकी, माता सती ने, समस्त देवता देवा भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। माता सती को लगा बहुत गड़बड़ हो गई, क्या किया जाए, प्रणाम करी और प्रणाम करके भगवान के पास चली गई। जैसे ही भोले बाबा के पास आई, भोले बाबा कहते हैं क्या हुआ, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। किस प्रकार परीक्षा ली आपने बताओ, हमारे राम जी पास हुए कि फेल? सती कहती हैं कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। भगवान भोले बाबा ने नेत्र बंद किया, ध्यान धरा, तब शंकर देखो हरि ध्याना, सती जो कीनी चरित सब जाना। सब जान गए भोले बाबा, मन में बहुत दुख हुआ, स्थिति बहुत गड़बड़ की है, ये सब सही नहीं है। ये बहुत गलत काम किया, आज के बाद से सती और हम में जो है ना किसी प्रकार का कोई अब संबंध स्थापित नहीं होगा। जो हमारे आराध्य की परीक्षा ले वो कैसा हो सकता है, सही नहीं है। मौन धारण कर लिए बाबा, कैलाश तो गए लेकिन समाधि लगा लिए। शंकर सहज स्वरूप संभाला, लागी समाधि अखंड अपारा। सती से बातचीत ना करना पड़े इसके लिए समाधि पर चले गए, क्योंकि सती से अब हमारा कोई संबंध ही नहीं है, लगा लो समाधि। भोले बाबा समाधि भी लगा लिए।